एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं आर्ले को जो कि भागते हुए दौड़ते हुए जा रही है, अपने दोस्तों से मिल रही है और तबाही भी मचाते हुए जा रही है। उसी तरह से वो घर पे पहुंचती है जहाँ उसके डैड शहर जाने वाले होते हैं और उसे साथ नहीं लेके जाते। और इसी नोट पे दोस्तों इस एपिसोड की शुरुआत होती है। दोस्तों ये क्रॉसओवर एपिसोड होने वाला है गोकू वर्सेस आर्ले के बीच में। तो अभी तक आपने अगर इसका पिछला वाला एपिसोड नहीं देखा है जो यहाँ आई बटन पर मिल जाएगा, जाके उस चीज का मजा उठाओ, इस वीडियो को कंटिन्यू करो। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने अगर इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी दो। अब हम देखते हैं एक गैजेट अवार्ड रखा गया है जिसके गेस्ट और कोई नहीं है, वो है मिसेस सेटन। जहाँ रिपोर्टर वेजिटा के पास जाती है, एक्सक्यूज मी सर, आप कुछ कहना चाहोगे? वेजिटा गुस्से में है। जहाँ बुलमा कहती है वेजिटा से कि एक दिन स्माइल कर लोगे क्या बिगड़ेगा, तभी ट्रंक्स कहता है कि हाँ डैड, आज मॉम को एक नए इन्वेंशन के लिए अवार्ड मिलने वाला है तो आज तो मुस्कुरा सकते हो। अब हम देखते हैं सेटन आ चुके हैं जो कि सबका शुक्रिया अदा करते हैं और अनाउंसमेंट करने लगते हैं। तभी हम बाहर देखते हैं जो सिक्योरिटी गार्ड में कोई तो पहचान वाला बंदा खड़ा है, ये और कोई नहीं, ये अपना गोकू है। जहाँ गोकू कहता है कि ओफो, ये जॉब तो बड़ी ही बोरिंग होती है। जहाँ चीची उसे बताती है कि मिस्टर सेटन ने तुम्हें बहुत जिम्मेदारी वाला काम दिया है जो कि उनकी सिक्योरिटी गार्ड का है, तो वो अच्छे से करना तुम, तो तुम्हें ये जॉब करनी होगी, तो समझे ना, अब जाकर तुम कोई अच्छा जॉब ढूंढ रहे हो। जहाँ इधर आलस देता है गोकू और गोकू के बाल भी चेंज हो जाते हैं और कपड़े भी फट जाते हैं। जहाँ गोकू ये जॉब छोड़कर चले जाता है। जहाँ अनाउंसमेंट करता है पेंगुइन विलेज की बनाई गई एचडी मशीन जिसका नाम है डॉक्टर सेनिमा की, ये सुनकर बुलमा भी शॉक में है। जहाँ ये बंदा और कोई नहीं है, ये है आर्ले का डैड ही। जहाँ वो जाता है और दो शब्द बोलने के लिए स्टेज पर खड़ा हो जाता है, मैं सेनमैन नोरिमा की आपके लिए बहुत थैंकफुल हूँ, कुछ क्रिटिक मुझे और नाम से बुलाते हैं, वो है डॉक्टर स्लम। जहाँ वो अपना इन्वेंशन दिखाता है कि रियलिटी मशीन दो टाडा, जो कि एक्चुअल में सच में एक बर्तन है जिसको पैर, हाथ और आंख और मुंह भी है, जो कि बातचीत भी कर सकता है। जहाँ वो एक डेमो देता है, मशीन खोलता है और मिस्टर सेटन को बताता है कि अब देखिए इसका कमाल। जहाँ ऊपर का ढक्कन खोलकर वो दिखाता है अंदर कुछ नहीं है, वो ढक्कन वापस लगाता है, कुछ बोलता है आंखें बंद करके जैसा कोई जादू हो और फटाक से इसका ढक्कन खुलता है जिसमें से कॉमिक निकलती है, जिसको कर मिस्टर सेटन कहते हैं ये वाकई में अच्छा है। जहाँ ये बंदा बताता है कि इसे कैसे पता चला मुझे क्या चाहिए, ये हर बार ऐसे ही करता है, जो मुझे चाहिए होता है ये फटाक से बना लेता है। जहाँ ये बंदा कहता है कि देखा ना, मैं कुछ भी सोचकर उसे बना सकता हूँ। जहाँ मिस्टर सेटन कहते हैं कि ठीक है, तुम कुछ भी बना सकते हो, ये अगर विश करने लायक है तो तुमने सिर्फ मैगजीन ही क्यों बुलाई, ये मशीन जो है वो उस विश को सेंस कर पाती है जिसके लिए आप मरने के लिए भी तैयार हो। मिस्टर सेटन को भी अभी ट्राई करने का मौका दिया जाता है, जहाँ पर मिस्टर सेटन सोचते हैं और उसमें से एक किचन बाहर आता है जो कि मिस्टर सेटन का ही है। जहाँ वो कहते हैं कि यही है हकदार आज के अवार्ड का। जहाँ अभी अवार्ड देने ही जा रहे होते हैं तभी एक आदमी आता है और कहता है कि मैं ऑब्जेक्ट करता हूँ, ये है डॉक्टर माशारीटो। जहाँ ये कहता है कि ये इवेंट इतना ही खास है जहाँ पर मुझे बुलाया भी नहीं गया। जहाँ ये बंदा जाता है जिसको अवार्ड मिल रहा था, वो कॉमिक बुक खोल के दिखाता है कि देखो ये जो ओरिजिनल ऑथर है वो तो मर चुका है, तो तुम यहाँ पर कैसे खड़े हो। जहाँ वो नीचे देखता है कि वो खड़ा नहीं है, वो हवा में हवर कर रहा है। जहाँ वो बताता है कि मैं बदला लेने के लिए आया हूँ। जहाँ ये कहता है कि तुम्हारे अंदर क्या नेचर के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है। जहाँ वो बुलाता है, जहाँ अराले और गार्टन्स भी आ जाते हैं। ये भूतिया साइंटिस्ट कह रहा है कि भाई ये लोग अकेले थे घर पे, तुम इन्हें अकेला ही छोड़ के आए, इस वजह से मैंने ये बोटॉक्स वाला जो घोल है वो पिलाया है, जो कि 10 गुना नहीं 100 गुना ज्यादा इच्छाएं बढ़ा देता है उनके खेलने की। जहाँ ये गोस्ट साइंटिस्ट आराले को कहता है कि जाओ यहाँ पर सबके साथ खेलो और सबको बर्बाद कर दो। जहाँ मिस्टर सेटन को लगता है कि लाइमलाइट ये बच्चे छीन रहे हैं, तो मिस्टर सेटन ही चले जाते हैं उनके साथ खेलने के लिए। जहाँ सेटन कहता है कि बैकपैक खेल सकते हैं इस टीवी इवेंट के खत्म होने के बाद। जहाँ अराले एक जोर का धक्का मारती है जिससे मिस्टर सेटन दीवार पर जाके ही लग जाते हैं। अब ये लोग यहाँ पर मस्ती कर रहे हैं और वो जो दो गार्टन्स है वो सारी जगह को खा रहे हैं। जहाँ वेजिटा अभी भी बैठा हुआ है, ये मिस्टर सेटन देखते हैं और चिल्लाते हैं कि प्लीज इस जगह को अभी खाली कर दीजिए। अब सारे लोग भाग चुके हैं, सिर्फ ये बच्चे, उसके पिता और इधर ट्रंक्स, वेजिटा और बुलमा बैठे हुए हैं। जहाँ मिस्टर सेटन आते हैं वेजिटा के पास और उसे कहते हैं, जहाँ बुलमा भी हामी भरती है। जहाँ वेजिटा खड़ा होता है और कहता है कि एक बच्चा जो है जिसको डिसिप्लिन उसके माँ बाप ने नहीं सिखाया उसको भी सिखाना पड़ेगा, चलो ठीक है।
वेजिटा आवाज देता है, हे छोटी बच्ची तुम्हें कोई खेलने के लिए चाहिए ना। अराले कहती है आप क्या स्ट्रांग हो मिस्टर, जहाँ अराले बहुत खुश है। लेकिन वेजिटा पूछ लेता है उसके पिता से कि साइंटिस्ट तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है। साइंटिस्ट कहता है अगर तुम्हें नहीं तो मुझे भी कोई दिक्कत नहीं। जहाँ अराले कहती है मैं आ रही हूँ, और वो दौड़ते हुए वेजिटा के पास आ जाती है, जहाँ वेजिटा स्माइल करता है। इधर गार्डन में गोकू सो रहा होता है, तभी वेजिटा वहाँ पर गिर जाता है, जहाँ गोकू धड़ल्ले से उठ जाता है कि भाई क्या हुआ। जहाँ वेजिटा कहता है कि गैग मांगा के पास इतनी ज्यादा ताकत, वो भी 80s के कैरेक्टर की। गोकू पूछता है ये क्या है। जहाँ अराले आती है सामने और कहती है ओ तुम, गोकू भी चौक उठता है तुम। बुलमा कहती है जरा शांति से गोकू, क्योंकि ये वही है जिसने वेजिटा को बाहर फेंक दिया। जहाँ मिस्टर सेटन बताते हैं कि किसी पागल साइंटिस्ट ने इसका ब्रेन वॉश कर दिया है, इसलिए ये खूंखार बन चुकी है। इधर ट्रंक्स और वो साइंटिस्ट उस भूतीय साइंटिस्ट को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ गोकू कहता है कितनी प्यारी बच्ची है, मैं तो नहीं हराऊंगा। वेजिटा उठता है, मेरे रास्ते से हट जाओ कैकरोट, इस छोटी सी बच्ची को मेरी इज्जत उछालने नहीं दूंगा। गोकू कहता है नहीं नहीं तुम शांत हो जाओ, हम कोई ना कोई रास्ता तो निकाल ही लेंगे। लेकिन वेजिटा कहा सुनता है, वो हमला कर देता है। वेजिटा अपनी पावर गेन करता है, एक मुक्का मारकर अराले को ऊपर फेंक देता है, जहाँ वो ऊपर से आती है और धड़ाम से 2 लाख वेजिटा को जड़ देती है। जहाँ वेजिटा उठता है वो हंसती है और कहती है कि और एक बार फिर से। जहाँ वेजिटा कहता है इतनी जल्दी इसने धरती का चक्कर कैसे लगा लिया, ये कैट मांगा ही है। जहाँ पर वेजिटा कहता है कि अगर इसके साथ लड़ना है तो सीधी उंगली से लड़कर कोई फायदा नहीं है। जहाँ वो उठता है और कहता है उधर देखो, वो देखो UFO, और वेजिटा एक लात दे मारता है उसे। वेजिटा कहता है एक ही लात में खेल खत्म कर दिया। जहाँ हम देखते हैं अराले जो है वो गिर पड़ी है वहाँ पर, उसकी बॉडी अलग है, सिर अलग है, ये सारे लोग शॉक में है। तभी हम देखते हैं उसकी बॉडी उठ चुकी है, जो कि नॉर्मल बन चुकी है अब, जो खुद का सिर लगा लेती है और हंसने लगती है, जहाँ पर ये और कोई नहीं रोबोट है। जहाँ वेजिटा पूछता भी है क्या तुम इंसान नहीं हो, अराले कहती है हाँ सही कहा मैं एक रोबोट हूँ। जहाँ वो हाथ उठाती है और सीधा ही जमीन पर दे मारती है, जिससे जमीन के 2 टुकड़े हो जाते हैं। वेजिटा कहता है इसका क्या मतलब हुआ, तुम क्या फिजिक्स के सारे रूल तोड़ने वाली हो। अराले कहती है अब मेरी बारी है। जहाँ वो सीधा दौड़ के आती है, अराले किक मार देती है जिससे वेजिटा दूर फेंक दिया जाता है आकाश में। जहाँ ये दौड़ के जाती है और वेजिटा को अपना सिर दे मारती है, जिससे वेजिटा और दूर फेंक दिया जाता है। जहाँ बुलमा कहती भी है कि इसने वेजिटा को ऐसे फेंक दिया जैसे वो कोई था ही नहीं। जहाँ वो गोकू के पास आती है और कहती है चलो खेलते हैं। जहाँ गोकू कहता है अरे तुम्हारे इस बड़े से फाइट ने मुझे याद दिला दिया, तुम पेंगुइन वर्ल्ड की अराले हो राइट ना। जहाँ अराले भी सोच लेती है अरे तुम तो गोकू हो, तुम बड़े हो गए हो। जहाँ गोकू कहता है मैं देख रहा हूँ तुम उतनी ही स्ट्रांग हो आज भी, तो चलो दो दो हाथ हो जाए। अराले कहती है ओ बॉय चलो हो जाए। और तभी गोकू अपनी पावर एनहांस करता है और लड़ने के लिए रेडी है। जहाँ वो दूर जाती है और कहती है मैं आई, मुंह खोलती है और सीधा एक ब्लास्ट दे मारती है, जहाँ गोकू भी एक ब्लास्ट कर देता है। जहाँ गोकू हंसने लगता है और कहता है तुम तो कमाल ही हो। अराले कहती है हम फिर से क्यों नहीं करते, लेकिन इस बार 100 गुना ज्यादा। गोकू कहता है क्या 100 गुना ज्यादा। गोकू कहता है चलो आ जाओ। जहाँ मिस्टर सेटन कहते हैं तुम क्या सच में रोक पाओगे ना इसे। गोकू कहता है क्या पता, ये सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है। जहाँ ये दोनों ही रेडी हो चुके हैं और इधर मिस्टर सेटन बहुत ज्यादा खौफ में है कि अगर गोकू ही नहीं रोक पाया तो और इसे कौन रोक पाएगा, इस नन्ही से रोबोट की वजह से इस दुनिया को खतरा है। जहाँ बुलमा कहती है धरती पर तो कोई नहीं है, लेकिन मैं जानती हूँ वो कर सकता है। जहाँ बुलमा ने कॉल लगा लिया है। जहाँ विस कहता है ओ ऐसी बात है। जहाँ बुलमा कहती है तो चलो जाओ लॉर्ड बीरस को बता दो और उसे लेके आओ। विस कहता है तुम ऐसे बात नहीं कर सकती, वो लॉर्ड है, वो कोई पिज्जा डिलीवरी बॉय नहीं है, तुमने हुक्म दिया और वो आ गया। अब बुलमा कहती है प्लीज मैं तुम्हारे लिए बढ़िया खाने का इंतजाम कर दूंगी, चलो प्लीज। जहाँ बीरस सो रहे हैं। जहाँ विस देख कर कहता है लगता है तुम्हारी किस्मत वाकई में बहुत खराब है, वो सोए हुए है और उन्हें जगाने की हिम्मत मुझ में भी नहीं। विस कहता है बेस्ट ऑफ लक बुलमा, और वो कॉल काट देता है। जहाँ मिस्टर सेटन और बुलमा दौड़ कर आते है कि भाई उसी साइंटिस्ट को पूछते हैं इसे कैसे रोका जाए। इधर वो साइंटिस्ट और ट्रंक्स थक चुके हैं, लेकिन ये भूत वाला साइंटिस्ट इनके पकड़ में अभी भी नहीं आया। क्या ट्रंक्स पू करके चिल्लाता है, तभी इस साइंटिस्ट को कुछ लगता है अरे ये तो सही है पू डागा गागा, कुछ बना लेते हैं। जहाँ वो उसकी मशीन से कुछ बनाने को बोलता है, जहाँ और कुछ नहीं ये पूफ निकालता है जो कि वाकई में कार्टूनिश है। तभी वो कहता है कि इसको जल्दी से अराले के पास ले जाओ ताकि हमारे को कुछ टाइम तो मिल जाए। बुलमा कहती है इसे तुम ले जाओ, मिस्टर सेटन कहते हैं नहीं तुम। इधर गोकू और अराले रेडी है, अपनी पावर एनहांस कर रहे हैं और मारने जा रहे हैं। तभी ट्रंक्स उस पूफ को लेके आता है और लकड़ी से उसके सामने फेंक देता है, जहाँ अराले सब कुछ छोड़ के उसके साथ खेलने लगती है। जहाँ गोस्ट कहता है जो होने वाला है उसे ज्यादा देर तक रोक नहीं सकते, जैसा ही उसका इंटरेस्ट पूफ में खत्म होगा वैसे ही तुम सब भी
खत्म हो जाओगी। जहाँ मिस्टर सैटर्न इस साइंटिस्ट को बोलते हैं, क्या तुम्हारे पास पूप को छोड़ के कोई दूसरा आइडिया है, तो ये गैजेट को पूछता है क्या तुम्हारे पास है। गैजेट कहता है नहीं, मेरे पास कैसे होगा। जहाँ बुलमा कहती है सोच नहीं है तो ठीक है मैं ही करती हूँ। जहाँ वो कैमरा के पास जाती है और सबको लाइव में कहती है कि तुम लोग जो भी खा रहे हो उसके बारे में सोचो, या फिर जो खाना चाहते हो उसके बारे में सोचो और उसकी इमेज इमेजिन करो टीवी पर। जहाँ बाकी सब कुछ मैं बाद में बताती हूँ, और अगर अभी आपने ऐसा नहीं किया तो इसका मतलब ये है कि ये दुनिया खत्म हो जाएगी। जहाँ इधर अराले बोर हो चुकी है और इधर इस गैजेट ने सारे लोगों का सेंस कर लिया है जो भी वो लोग सोच रहे हैं खाने का। जहाँ ये लोग कह रहे हैं वहाँ क्या हो रहा है, जहाँ बुलमा कहती है कि सारे लोग डिलीशियस फूड के बारे में सोच रहे हैं और आपका ये इन्वेंशन उस फूड को एक सुपर फूड में कन्वर्ट करने की सोच रहा है। जहाँ उसने एक चॉकलेट का गोला बना लिया है। जहाँ बुलमा कहती है कि ये तुम्हारे लिए नहीं है। जहाँ मिस्टर सैटर्न कहते हैं ये डिलीशियस तो दिखने में नहीं लग रहा। जहाँ इसका स्मेल सेंस कर लेता है बीरस और उठ जाता है। इधर अराले और गोकू रेडी है लड़ने के लिए। जहाँ कामेहामेहा मूव चलने वाला है तभी यहाँ धड़ाम से बीरस आ टपकता है। बीरस कहता है विश्वास नहीं होता यहाँ आने के लिए इतनी जल्दबाजी में मैंने ट्रैवल किया। बुलमा कहती है काम कर गया। बीरस उस गोले को उठाता है। जहाँ भूत साइंटिस्ट सोच रहा है अरे ये कौन आ गया है, और बीरस उसको स्मेल कर रहा है। जहाँ ये भूत आता है और कहता है ओ जीनी पैंट वाले ओवरसाइज। जहाँ वो कहता है कि हम लोग किसी चीज के बीच में है, जहाँ तुम यहाँ पर आधम के हो, जहाँ तुम कोई एक स्टार हो। बीरस को आता है गुस्सा, वो दो उंगली कर इसको खत्म ही कर देता है। जहाँ पर ये घोष चिल्ला रहा है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। जहाँ विस कहता है कि फर्क नहीं पड़ता तुम हवा हो पानी हो एनिमल हो या कोई भी जीव, तुम लॉर्ड बीरस के हाथों डिस्ट्रॉय होने से नहीं बच सकते। जहाँ बीरस उस गोले को खा लेते हैं और थोड़ी देर खाने के बाद रोने लगते हैं कि यम्मी। जहाँ अराले आ जाती है और कहती है कितना बड़ा बिल्ला है, हे किटी कैट, हेलो किटी कैट, मेरे साथ खेलना चाहोगी। ट्रंक्स उसे चुप कराता है। जहाँ गोकू कहता है अराले को कि ऐसे बात मत करो, वो लॉर्ड बीरस है, वो तुम्हें डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और बीरस ने अपने सिर पैर चटकाया है जिससे ये सारे लोग दूर फेंक दिए गए है। जहाँ बीरस कहता है कि मेरे खाने के बीच में कोई भी आएगा उसे खत्म तो होना ही होगा। अराले की तरफ दो उंगली करता है और खत्म करने की कोशिश करता है। जहाँ वो आवाज सुनते ही रुक जाते हैं और बीरस कहते हैं अभी मुझे विष घर ले चलो जल्दी। जहाँ उनका पेट दर्द हो रहा है। जहाँ मिस्टर सैटर्न पूछते हैं कि अभी ये क्या हुआ। जहाँ ये साइंटिस्ट कहता है दुनिया भर के फूड को मिक्स करने की वजह से रिएक्शन हो गया होगा। बुलमा कहती है कि इतने ज्यादा फ्लेवर्स थे कि गॉड भी उसे पचा नहीं पाया। ट्रंक्स कहता है पूप बनाने के बाद किसी ने इसको साफ करने का सोचा ही नहीं। गोकू हंस देता है। जहाँ ये लोग अलविदा कह देते हैं। जहाँ अराले को रख दिया है गार के अंदर और ये लोग अलविदा कहते हैं। तभी वहाँ मिस्टर सैटर्न कहते हैं आप इन्वेंशन करते रहना, और ये साइंटिस्ट कहता है कि हाँ लेकिन इसके लिए माफी कि मैं ऐसे ही छोड़ के जा रहा हूँ। अराले कहती है कि आगे से डैड आप ध्यान रखना। जहाँ अराले को साइंटिस्ट कहता है कि हाँ ये सब रायदा तुमने फैलाया है समझी ना। जहाँ उस सीरम का असर अगर और चलता तो पता नहीं तुम क्या कर देती। जहाँ अराले बाय बाय कर जाने लगती है। जहाँ पर गोकू कहता है कि अगली बार हम लड़ लेंगे। अराले कहती है हाँ लेकिन इस बार हमें 30 साल वेट मत कराना। जहाँ बुलमा कहती है चलो ट्रंक्स चलना चाहिए। ट्रंक्स कहता है कुछ भूल नहीं रही हो मॉम। जहाँ हम वेजिटा को देखते हैं जो कि एक पर्वत के ऊपर डाली पर लटका हुआ है। जहाँ वेजिटा कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए 80s के गैग मांगा वाले कैरेक्टर से मैं आगे से नहीं लड़ूंगा। और दोस्तों इसी नोट पे इस एपिसोड का एंड होता है। दोस्तों आपने अभी तक अगर इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर दो और एक प्यारा सा कमेंट भी। और तब तक के लिए देखते रहिए मूवीज़ इन।